उदयपुर विकास संघर्ष समिति परिवार का 11वां उदयपुर गौरव सम्मान व स्थापना दिवस समारोह आज पुष्प वाटिका में संपन्न हुआ। मोहम्मद आजम ने बताया जिसमें उदयपुर शहर के निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले उदयपुर की उन शख्सियतों को उदयपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले उमर अशरफी, सलीम शाह, हरि ओम जी, रेखा सुथार, कुलदीप सोनी, यूनुस जी, मनीष सेन, मनोज भटनागर, दीपेश हेमनानी, उमेश मनवानी, लक्ष्य मेवाड़ा, मांगीलाल सुथार आदि मौजूद थे, जिनमें मुख्य अतिथि असरार अहमद, सदर अजमेर दरगाह, पूर्व राज्य मंत्री मुरली राजानी, अध्यक्ष पूज्य सिंधी पंचायत हिरण मगरी सेक्टर 3, राजीव सुराणा अनुष्का कॉलेज उदयपुर, त्रिलोक जी सनाड्य समाज सेवी उदयपुर मौजूद रहे। समिति से लोकेश सोनी, साहिल रेहाना टीन, तनय सनाठिय, मांगीलाल मेघवाल, रेणु सियोरा, विक्की चौहान आदि मौजूद रहे। सम्मानित हुए 15 लोगों की सूची इस प्रकार है। उमेश मनवानी, आप रक्तदान के क्षेत्र में हर व्यक्ति की मदद, हर संभव मदद करने को तैयार रहते हैं। दीपेश हेमनानी, आप रक्तदान के साथ साथ कोरोना काल में खुद प्लाज्मा दान करने में सभी से आगे रहे और लोगों की मदद की। उमर अशरफी, आप मेडिकल से रिलेटेड वर्क करते हैं, ये अपनी संस्था उदयपुर मुस्लिम यूथ से लोगों को रक्तदान और समाज की मदद के लिए जागरूक करते हैं। डॉक्टर नूर मोहम्मद, आपने कोरोना काल में कई लोगों को निशुल्क दवाइयां और इलाज कराया। मनीष सेन, पत्रकार, आप न्यूज चैनल में काम करते हैं और उदयपुर जिले की कोई भी समस्या हो, कोई भी मुद्दा हो, उसे सामने लाते हैं। सलीम शाह, आप कोरोना काल में अपने घरों पर जाने वाले बाहर के व्यक्तियों को भोजन कराते, उनको रुकने की व्यवस्था करते और कोरोना काल में राशन सामग्री निशुल्क वितरण करते थे। कुलदीप सोनी, आप स्वर्णकार सोशल ग्रुप चलाते हैं और समाज सेवा के साथ साथ हर क्षेत्र में इनका योगदान रहता है। हरि ओम साबुरा, आप उदयपुर संभाग की एक ऐसी शख्सियत हैं जो धार्मिक स्थानों के बाहर भिक्षा मांगकर स्कूलों में गरीब बच्चों को पुस्तकें, बैग आदि उपलब्ध कराते हैं। रेखा सुथार, आप स्कूल में टीचर हैं और आंखों से देख नहीं सकती हैं, फिर भी 30 किलोमीटर जाकर बच्चों को पढ़ाती हैं। मोहम्मद यूनुस, पत्रकार, आप उदयपुर से न्यूज चैनल में काम करते हैं और सर्व समाज की न्यूज प्रमुखता से दिखाते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान रहता है। देव रावत, आपके द्वारा दी गई शिक्षा से कई व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल बने और आप निशुल्क शिक्षा की सेवा देते हैं। मांगीलाल सुथार, बेकुट धाम सेवा संस्थान, आपके द्वारा कोरोना काल में सभी 50 से 60 शवों का निशुल्क अंतिम संस्कार किया गया। जब परिवार के लोगों को कोरोना का भय था, आपने बिना भय के उन सभी शवों को अंतिम संस्कार कर मोक्ष दिलाया। लक्ष्य मेवाड़ा, जो कि सबसे कम उम्र का समाज सेवी है और झीलों की सफाई करने वाले संस्थानों के साथ में है।